हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। सहकारी फसली ऋण पोर्टल से ऋण वितरण की शुरुआत करने जा रहा है, यानी कि जहां फसली ऋण वितरण की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस कर ऑनलाइन कर दिया गया है। ये योजना 3 जून से शुरू होगी। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सहकारी फसली ऋण वितरण की व्यवस्था को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। फसली ऋण वितरण के लिए अब सहकारिता विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन पैक्स, लैंप्स और सहकारी बैंक की शाखाओं के स्तर से किया जा रहा है। इसके लिए किसान को समिति या ई मित्र केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन कर सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल लांजना के मुताबिक किसान को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद डिजिटल मेंबर रजिस्टर के जरिए फसली ऋण दिया जाएगा। नई फसली ऋण व्यवस्था में किसान फसली ऋण की राशि नगद ले सकेगा, तो इसके अलावा रुपए किसान डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से भी राशि ले सकेगा। इसके साथ ही एफआईजी यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे के जरिए भी ऋण लिया जा सकता है। अल्पकालीन फसली ऋण के लिए आवेदन करने से पहले किसान को समिति का सदस्य होना जरूरी है, तो पंजीयन के लिए आधार नंबर, सहकारी बैंक का बचत खाता नंबर और बैंक शाखा के FISC कोड की जरूरत होगी। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का विवरण, रबी और खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसल का विवरण, समिति बैंक या अन्य संस्थाओं से लिए गए या स्वीकृत हुए ऋण की जानकारी देनी होगी। तो वहीं अधिकतम साख सीमा के तहत फसली ऋण के वितरण से पहले आवश्यक प्रपत्रों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इसके लिए किसान वचन पत्र, ऋण पत्र और प्रतिभूति पत्र को समिति में जमा कराना होगा। साल 2019-20 में प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा किसानों को 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण होगा। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का ऋण खरीफ सीजन में और 6,000 करोड़ रुपए का ऋण रबी सीजन में दिया जाएगा। वहीं 10 लाख नए किसानों को आगामी फसली चक्र में फसली ऋण मुहैया करवाया जाएगा। नए सदस्य किसानों का सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन नियमित ऋण चुकता करने वाले सदस्य किसानों के पंजीयन के बाद दूसरे चरण में होगा। वहीं अवधि पार सदस्य किसानों का भी दूसरे चरण में पंजीयन किया जाएगा। पंजीकरण के बाद ऐसे किसानों को भी फसली ऋण मुहैया करवाया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।